हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अकेडमी। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारा पार्टनरशिप का फंडामेंटल। ओके, हमने लास्ट लेसन में देखा अकाउंट्स क्या क्या बनते हैं। मेन दिक्कत जो स्टूडेंट्स को आती है वो आती है जनरल एंट्रीज में, है ना। तो वो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने देंगे हम, ठीक है। तो देखिए, जनरल एंट्री में जैसे आपने अकाउंट का फॉर्मेट देखा है ना, बिल्कुल सेम उसी वे में हम वर्क करेंगे, है ना। तो देखिएगा, हमेशा जो जनरल एंट्रीज हैं वो यहाँ पर दो बनेंगी, ठीक है। क्या, पहले तो आपके एक्सपेंसेस के होने की एंट्री बनती है, ठीक है, यानी कि उसे अलाउ या चार्ज करने की एंट्री, और फिर उसे एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रांसफ़र किया जाता है या तो P&L अकाउंट में या P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले आप उन चीज़ों को देखेंगे जो चार्ज होती है, यानी कि पार्टनर का रेंट, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर का कमीशन, है ना। तो उनको देखेंगे सबसे पहले, उनकी एंट्री। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप देखो तो इन्हें आपने क्या करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भी डालना है ना, और P&L अकाउंट में भी डालना है। दैट मीन्स यहाँ एंट्री बनेगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, पार्टनर्स रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री बन रही है? पार्टनर्स रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। वहीं अगर आप बात करो किसकी, आपके रेंट की, है ना, उसे ट्रांसफ़र करने की, तो ट्रांसफ़र करने की एंट्री बनेगी P&L अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स रेंट अकाउंट, ठीक है। जस्ट आप इसे फॉर्मेट से चेक कर सकते हैं, कैसे, देखिए ज़रा। आपने देखा होगा हमने जो पार्टनर रेंट था, है ना, वो कहाँ डाला था, वो इसी साइड तो डाला था जैसे आपने यहाँ डाला था, बाय पार्टनर रेंट, कहाँ पर, P&L अकाउंट में, ठीक है। तो यानी कि अब आप एंट्री क्या बना रहे हो, देखिए यहाँ पर लिख रहे हो P&L पार्टनर्स रेंट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, है ना। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में किस साइड डालोगे, इस साइड डालोगे, बाय रेंट, है ना। तो दैट मीन्स यहाँ क्या लिख रहे हो आप, यहाँ लिख रहे हो आप कि पार्टनर्स रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है आपका जो आपको यहाँ पर समझना है, सही है। अब देखिए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।